ये देखिए दोस्तों, मैं चैनल नंबर 17 से लेके आपको 23 तक दिखाता हूँ। ये देखिए, स्टोन पिचिंग का काम ख़त्म हो गया इधर, और चल भी रहा है आगे, और बहुत साइड में चल रहा है, अपोजिट साइड में, LHS साइड में। और ये राइट साइड का भी काम चल रहा है, ये देख रहे हैं, लेबर का काम कर रहा है, लेबर कम भी हो गया है, इसके लिए थोड़ा स्लो हो गया है काम। लगभग लगभग 30% तक स्टोन पिचिंग का काम ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत काम बाकी है, इसमें ड्रेन बनाना बाकी है, ड्रेन का भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये देखिए, अभी इधर बेड नहीं बना है, PQC का भी काम कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, अप्रोच स्लैब इधर रहता है, इसके लिए काम छूटा हुआ है। आप लोगों को PQC के ऊपर भी चढ़ के हम दिखाएंगे। देखिए, किलोमीटर 18,500, इधर भी LHS साइड का कंप्लीट हो गया है, गटर लॉन्चिंग स्लैब का काम चल रहा है। और ये देखिए, 18,116, इधर भी LHS साइड का गटर लॉन्चिंग हो गया है, और RHS साइड का पियर कैप बाकी है, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। थोड़ा स्लो काम चल रहा है बारिश की वजह से। और ये देखिए, स्टोन पिचिंग के बीच में ड्रेन बना है, ये ड्रेन बनाना अनिवार्य है, क्योंकि पानी पूरा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो पूरा कोलैप्स होगा मिट्टी, इसके लिए ड्रेन बनाया जाता है कि पूरा पानी नीचे चला जाएगा। और चलिए दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं PQC के ऊपर। PQC के ऊपर कोई भी अभी तक बाइक नहीं चलाया होगा, लेकिन हम लोग चला लिए हैं, क्योंकि हम लोग बाइक से जाते हैं, नीचे कीचड़ ज़्यादा रहता है। ये देखिए, अभी PQC इधर कंप्लीट हो गया है, जैसे भी जा रहा है कुछ काम के लिए। ये देखिए, इसको सफाई होगा, अभी आप लोगों को गंदा दिख रहा होगा, ये पूरा वाटर टैंकर से लेके पानी से इसको पूरा क्लीन किया जाएगा। जब हैंड ओवर होता है तो पूरा क्लीन करके दिया जाता है, और ये भी इस पर कलर भी होगा, फर्स्ट लेन, सेकेंड लेन, थर्ड लेन, ऐसा करके। अभी देखिए, बीच बीच में ये जहाँ जहाँ अप्रोच स्लैब आएगा, ये इधर अप्रोच स्लैब आएगा, इसलिए इधर छोड़ दिया गया है, मैनुअल PQC होगा उधर, इधर भी अप्रोच स्लैब आएगा, मैनुअल PQC होगा, इसके लिए छोड़ दिया गया है। जिधर जिधर स्ट्रक्चर है ऐसा, उधर उधर ऐसा छोड़ दिया गया होगा। अभी ये देखिए, PQC पूरा दोनों साइड कंप्लीट हो गया, LHS साइड, RHS साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। और ये मीडियन का, ये देखिए, इतना चौड़ा इसलिए छोड़ा गया है, 12 मीटर। आगे चल के अगर 8 लेन बनाना हो तो एक एक लेन दोनों साइड में बढ़ सकता है, तो भी मीडियन में अभी जगह रहेगा, इसके लिए उतना चौड़ा छोड़ा गया है। और ये देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है, 10 मीटर का हाइट है, वो देखिए नीचे सर्विस रोड पे वो गाड़ी जा रहा है, वो दिखाई नहीं देगा, अभी आगे चल के वो थोड़ा भी नहीं दिखाई देगा। आप लोग समझ सकते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हाइट पे है ये। हाइट पे इसलिए बनाया जाता है कोई भी आदमी ऊपर ना चढ़े, क्योंकि इसका स्पीड रहेगा 120 किलोमीटर पर आवर्स, 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चलेगा। तो आप समझ सकते हैं, कोई अगर ऊपर आ गया तो उसका क्या हाल होगा, इसके लिए हाइट में बनाया गया है। Thank you.
देखिए इसके आगे अभी सब ग्रेड चालू है, पीक्यूसी भी नहीं हुआ है, डीएलसी भी नहीं हुआ है, जीएसपी ने भी नहीं हुआ, बैक फिलिंग चालू है। देखिए अभी फिलिंग करेंगे, उसके बाद सबसे स्लो काम इधर ही चल रहा है 500 मीटर के एरिया में, क्योंकि वो कंपनी खुद कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर कोई नहीं है, इसके लिए स्लो चल रहा है। I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'd stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. फाइनली आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने साइट पे आ गए हैं। 23356 हम लोग का साइट है, और ये बूम लगा हुआ है क्रॉस कटर के लिए, वो रेडी नहीं हुआ था। आप लोग एक और क्रॉस कटर दिखाया था, वो A1 to P1 था, अभी ये P1 to P2 है। ये भी क्रॉस कटर कंप्लीट हो जाएगा, गाड़ी भी आके लग गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्क्रीट भी चालू हो गया है। और ये देखिए कंक्रीटिंग हो रहा है, लेबर का थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिना सेफ्टी का ही ऊपर चढ़ के काम करता है। ये लोग कितना भी समझाने पे तो भी सेफ्टी का यूज नहीं करता। ये देखिए मेरे सेफ्टी वाले साहब यहीं पे खड़े हैं, फिर भी बिना सेफ्टी का काम चल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं सेफ्टी वाले साहब का कितना दिलवाई है, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। और ये देखिए सेटिंग थोड़ा सा भग गया है, अभी रिपेयरिंग कर रहा है। कंक्रीट थोड़ा नीचे भी गिर गया है, वो एक बोल्ट ढीला था, ये देखिए थोड़ा सा कंक्रीट गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है वो, तो थोड़ा सा ही गिरा है वो बोल्ट, एक टूट जाने के कारण वो भग गया है थोड़ा। एक और स्पैन का स्लैब आप लोगों को दिखाते हैं, इसका भी नेक्स्ट डे चेकिंग है। स्टील बांध के लगभग 80% कंप्लीट हो गया, साइड शटरिंग बाकी है। साइड शटरिंग भी आज नाइट में अगर बारिश नहीं हुआ तो हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे से स्टील बांध के पूरा रेडी है, कुछ भी काम नहीं बचा है, बस ओनली पैलेस कर दिया है। स्टील बाइंडिंग करना बाकी है, बाइंडिंग कर रहा है आदमी। एक रेस बैरियर का स्टील भी अच्छे से एकदम एक लाइन में बांध किया गया है, आप लोग देख रहे हैं एकदम लाइन में है। और स्टील भी एकदम अच्छे से बांधा हुआ है, ये क्रॉस गडर इसका हो चुका है। और ये बीच बीच में गडर देख रहे हैं, 6 गडर है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा।
रैम बूम लगा है, चौथी स्पैन का क्रॉस कटर चालू हो गया है। अभी नेक्स्ट मंथ में समझिए कि पूरा पूरा स्लैब ख़त्म हो जाएगा लेचे साइड का 10 स्पैन, अभी तक 4 स्लैब हो चुका है। I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. और उधर ये कंक्रीट चालू है, नीडल वाइब्रेटर भी मार रहा है, उधर तो स्लैब है और इधर भी स्लैब है। इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सेफ्टी में नहीं काम करेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि स्लैब के ऊपर से लोग पूरा काम कर सकता है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मीडियन क्रॉस कटर है अभी रेडी नहीं हुआ है इसका, देख रहे हैं अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है मीडियन में, तो वो करने के लिए प्रॉब्लम होता है, उसमें सेफ्टी का जरूरत पड़ी है। बूम लगा हुआ है, देख रहे हैं उधर कंक्रीटिंग चालू है। और ये देखिए क्रॉस गर्डर का स्टील कैसे बांधा जाता है, शटरिंग भी हो चुका है, पूरा रेडी है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा मोड़ा बेंड इसलिए दिखाई दे रहा होगा क्रॉस कटर का स्टील, क्योंकि जब इसको वाटर लॉन्चिंग करते हैं तो पूरा स्टील बेंड करके उठाते हैं, फिर इसको सीधा करते हैं, इसके लिए वो पूरा सही से सीधा नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत बेंड रहता है। ये देखिए ISMB भी पूरा लग चुका है, यू जैकल ऊपर से बस चैनल रख के प्लाई रख के अपना सेटिंग चालू कर सकते हैं, इतना काम हो चुका है इस पेन का। कंक्रीट चालू है, TM लगा हुआ है, इधर बूम लगा हुआ है, ऊपर क्रॉस कटर का कंक्रीटिंग चल रहा है, नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर से भी आप लोगों को मैं दिखाया, ये देखिए। क्लाइमेट अच्छा है, बारिश लग रहा है अभी आएगा, लग रहा है क्रॉस कटर भी नहीं हो पाएगा, बारिश अभी आने वाला है, क्योंकि मौसम आप लोग देख रहे हैं कैसा हुआ है, एकदम अंधेरा हो गया है, और बारिश आने वाला है ही है। कंक्रीटिंग चालू है, इसके लिए देखिए लोडिंग चल रहा है, ये देखिए मौसम कैसा अंधेरा दिख रहा है। और ये देखिए कितना तेज़ से बारिश चालू हो गया, फाइनली पूरा पानी पानी, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ है, क्रॉस कटर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और बारिश चालू हो गया है। देखिए लेबर कैसे जा रहा है प्लाई ओढ़ के, और बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, और हमको लग रहा है ये जल्दी अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, बंद नहीं होने वाला है, बहुत तेज़ बारिश। और ये देखिए बूम भी ऐसे लगा हुआ है, और कंक्रीटिंग बंद हो चुका है, क्योंकि लेबर आके नीचे सब लोग छुप गया है, वैसे चालू है, अगर बारिश जल्दी नहीं बंद होता है तो कंक्रीट पूरा सेट हो जाएगा, बारिश कैसे भी जल्दी बंद होता है तो, नहीं तो मैं लेबर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बारिश में भीग के ही पूरा कंक्रीट ख़त्म करके बंद करेगा।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ भी आप लोग बताना चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स और में ये देखिए अभी 9 बजने वाला है और बारिश अभी भी बंद नहीं हुआ है। हम लोग भी साइड पे ही हैं, बारिश की वजह से अभी तक रूम पे नहीं गया। बहुत तेज़ बारिश हो रहा है ये लोग।